बालोद जिले के एक छोटे से गांव कोसा गोंदी में निवासरत एक परिवार का गौ माता के प्रति लगाव और उनके लालन पालन को लेकर एक अनोखी सेवा देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। ग्रामीण परंपरा में गाय पालने का अपना महत्व है। गांव में ज्यादातर लोग गाय पालते हैं, उनकी देखरेख करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगों की रुचि इस तरफ कम होने लगी। लेकिन बालोद जिले के एक छोटे से गांव कोसा गोंदी का एक परिवार गौ माता की अनोखी सेवा को लेकर चर्चा में है। गुरूर ब्लॉक मुख्यालय से करीबन 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोसा गोंदी के रहने वाले किसान पन्नू राम साहू और उनकी पत्नी ललिता साहू गौ माता के भक्त हैं। पन्नू राम साहू और उनकी पत्नी ललिता साहू ने अपने घर में एक अलग कमरा बनवा के रखा है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक गौ माता की सेवा बच्चों की तरह की जा रही है। कमरे में गौ माता के लिए बिस्तर और कपड़े की व्यवस्था भी की गई है। उनके घर में 7 गाय और 17 बछड़े हैं। बताया गया कि पन्नू साहू अपने ससुराल से गाय लाए थे। पति पत्नी इस गौ माता की सेवा में जुट गए। समय के साथ साथ अब इनके घर में मवेशियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। एक ठो गैया ला हूँ जेकर आज 24 ठन परिवार हो गए हैं। आगे जब तक के स्वास्थ्य चली तब तक के एकर पालन पोषण लिए हम अपन औलाद की तरह चाहथन और प्यार भी करथन। एक के भी तबियत भी खराब भी हो जाए ना तो एकदम ऐसे लगती कि हमारे यहाँ तबियत मोर यहाँ तबियत खराब हो। गोबर कचरा करके साफ सफाई करके तो मतलब पहले खाना देते हैं, चावल और दाल, उसमें जलेबी डालते हैं। सुबह से शाम मतलब यही काम करते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में लोगों के पास जहां अपनों के लिए समय नहीं है, इस दौर में गाय के प्रति इतनी स्नेह और सम्मान नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सीख है। बालोद से मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24।